ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है ना हमारी भौं। ये कह कह कर 56 इंच की छाती और लाल आंख सिर्फ भारत के मुसलमानों और विपक्ष को दिखाई गई। और आज लेह लद्दाख के करीब चाइना ने अपना नया एयरबेस बना लिया, जिस पर 56 इंच की छाती न हिल पाई न लाल आंख देख पाई। दोस्तों चाइना ने होटान एयरबेस जो है चाइना ने बना लिया है। होटान एयरबेस पहले 3200 मीटर लंबा था, अब इसको 3700 मीटर लंबा कर दिया है। डुअल पर्पस यानी कि यहां पे सैन्य एयरक्राफ्ट भी उड़ेंगे। लेकिन दोस्तों चाइना डुअल पर्पस का खाली ढोंग करता है। ऑलरेडी चाइना ने यहाँ पे अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम J-20 एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान। सामने क्रम भारत का मीडिया देखें, जिसे गोदी मीडिया का नाम दिया जाता है, तो दुनिया में आए रोज वर्ल्ड वॉर 3 होती नजर आती है। लेकिन भारत के अपने क्या हालात हैं? दूसरे ममालिक के मामलात में तो भारत का मीडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसमें रोजाना उनकी स्टूडियोज में ही जंगें लड़ी जाती हैं। कई बार तो वर्ल्ड वॉर 3 हो भी चुकी होती है, लेकिन भारत के अंदर क्या हालात हैं उसके बारे में कोई भी रिपोर्ट अवाम के सामने नहीं रखी जाती, चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से काफी स्ट्रिक्टली हदायत है कि कोई भी ऐसी खबर इलेक्शन से पहले तक नहीं करनी, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार की बुजदिली सामने आए। क्योंकि नरेंद्र मोदी को उन्होंने 56 इंच के सीने वाला बकायदा तौर पर अपनी आवाम के सामने पोर्ट्रेट किया हुआ है। ये सबसे पहले आप एक आर्टिकल देखिए, ये है द यूरेशियन टाइम का, जो लिखता है चाइना एक्सपेंड्स होतान एयरबेस नियर लद्दाख वेयर PLAAF फ्लेक्स्ड मसल्स विद J-20 स्टेल्थ फाइटर इन 2022। 2022 में चाइना ने वो एक एयरबेस शुरू की थी जिसमें का बड़ा रोला डाला गया था भारतीयों की तरफ से। ये रिपोर्ट है 10 अप्रैल 2024 और ये भारत की एक लीडिंग न्यूज एजेंसी है जो कि भारत के गोदी मीडिया में नहीं आती। इसके मुताबिक चाइना ने बाकायदा तौर पर अब यानी 2024 में उस होतान एयरबेस को एक्सपेंड करके बड़े जहाजों के लिए बाकायदा ओपन कर दिया है। उसमें J-20 स्टेल्थ फाइटर जो तैयार हैं वो भी आ चुके हैं, और उसके अलावा बड़ा जबरदस्त और एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम भी इंस्टॉल कर दिया है। आपको बताते चलें कि ये वो एरिया है जिसके बारे में भारतीय कहते हैं कि ये भारत का हिस्सा है, और आगे चलकर भारतीय जो आजाद जराए हैं जो कि गोदी मीडिया के जरिए असर नहीं आते, उनकी जुबानी वो डिटेल भी आपको बताएंगे। वीडियो के शुरू में आपने चंद झलकियां देखी हैं, आगे डिटेल में आपको बताते हैं कि चाइना कैसे अंदर घुसकर वहां पर ना सिर्फ इलाकों के नाम चेंज कर रहा है, बल्कि वहां पर उसने बकायदा अपना एक बड़ा एयरबेस भी कम्प्लीट कर लिया है, जिसकी अमेरिका की तरफ से बकायदा सेटेलाइट इमेजेस भी जारी कर दी गई है। वहां पर बकायदा तैयारे भी स्टैंड बाय पर खड़े हैं, और भारत अगर जरा से भी कोई बकवास करेगा चाइना के बारे में तो चंद मिनट के अंदर भारत के अंदर J-20 स्टेल्स तैयारे मौजूद होंगे। उसके अलावा एक एडवांस मिसाइल सिस्टम भी वहां पर बकायदा इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन भारत का गोदी मीडिया है कि मुकम्मल तौर पर खामोश है, क्योंकि उन पर पाबंदी है, इसी वजह से उन्हें गोदी मीडिया करार दिया जाता है। जरा सुनिए भारतीय सहाफियों की जुबानी कि वहां पर आखिर हो क्या रहा है। ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है ना हमारी भौं। ये कह कह कर 56 इंच की छाती और लाल आंख सिर्फ भारत के मुसलमानों और विपक्ष को दिखाई गई। और आज लेह लद्दाख के करीब चाइना ने अपना नया एयरबेस बना लिया, जिस पर 56 इंच की छाती न हिल पाई न लाल आंख देख पाई। आंख खोल कर देख लीजिए, पूरी तरह से खामोशी और चुपके से चालाकी से लेह के सिर्फ 300 किलोमीटर दूर चीन ने एक नया हवाई पट्टी बनाकर तैयार कर लिया है। लाल आंख इतनी नकली और बेगैरत कि उसको यह नजर नहीं आया, क्योंकि लाल आंख की नजर सिर्फ कांग्रेस के अकाउंट और मुसलमानों के ऊपर थी। इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे आप तो दिमाग चकरा जाएगा। चीन ने एयरबेस बनाकर तैयार भी कर लिया है, और चाइना के टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट और एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर समेत ड्रोन समेत डिफेंस सिस्टम तक भारत के बेहद करीब लेह लद्दाख के करीब चीन ने तैनात किए हुए हैं इसी बेस पर। अल्लाह अकबर, पूरी तरह से बेगैरती भाजपा की। ये देखिए कि 56 इंच की छाती दिखाई जा रही है देशवासियों को, और चाइना के खिलाफ चू तक नहीं निकल रहा। इतना ही नहीं, इसी लद्दाख के ही मामले की वजह से हमारे 20 सैनिक टकराव में शहीद हो गए। हालांकि भारत ने दावा किया कि 40 चाइना के भी गए हैं। लेकिन दोस्तों आज आप देख रहे हैं, और देखिए सैटेलाइट तस्वीर दिखा देता हूं सबूत के तौर पर, ओपन सोर्स ने खुलासा किया है। देख लीजिए, यह सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि पूरी तरह से यह जो एयरबेस है तैयार है, फाइटर जेट तैनात है, और भारत के लिए यह सबसे बड़ा खतरा हो गया। उधर भारत के रक्षा मंत्री साफ साफ कह रहे हैं कि चाइना ने हमारे देश के जगहों के नाम बदल दिए हैं,
इससे क्या हमारी जगह उसकी हो जाएगी? चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं सवाल माननीय राजनाथ जी से करूं कि अगर आपकी सरकार अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दे तो क्या वो जगह भाजपा की हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो चाइना ने यहीं से कंसेप्ट आपका चुराया है। तो अभी चीन को जो भी आप बोल रहे हो वो पलट कर आप पर आ रहा है। भारत को रूस से इगला एस सीरीज की एयर डिफेंस सिस्टम मिल चुकी है मशीनें। उसको अब भारत ने LAC पर पाकिस्तान के खिलाफ तैनात कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान भी चीन के इशारे पर भारत को अब लाल आंख दिखा ही रहा। उधर जर्मनी ने भारत को मिलिट्री कोऑपरेशन का नया ऑफर दिया है कि हम आपको सबमरीन और नेवी के इंस्ट्रूमेंट बनाकर देंगे। दोस्तों, चाइना ने होटान एयरबेस, ये बेसिकली सैटेलाइट इमेज है जो कि ओपन सोर्स से जारी की गई है, तो होटान एयरबेस जो है चाइना ने बना लिया है। अब होटान एयरबेस जस्ट ले से 382 किलोमीटर की दूरी पे है। होटान एयरबेस पहले 3200 मीटर लंबा था, अब इसको 3700 मीटर लंबा कर दिया है। होटान एयरबेस क्योंकि भारत की विवादित सीमा में आता है जो लद्दाख वाला है, आपको पता है मैंने कई बार बताया भारत की विवादित सेक्टर, चाइना ने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। और सैटेलाइट इमेज ये बताती है कि यहां पे जो नया रनवे है ड्यूअल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये 5 दिसंबर 2020 की तस्वीर है, लेकिन अभी दोस्तों की जो नई तस्वीर आप देखेंगे ना उसमें काफी हद तक काम जो है वो पूरा हो चुका है। ड्यूअल पर्पस यानी कि यहां पे सैन्य एयरक्राफ्ट भी उड़ेंगे, लेकिन दोस्तों चाइना ड्यूअल पर्पस का खाली ढोंग करता है। ऑलरेडी चाइना ने यहां पे अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम J-20 एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान, शांगजी एयरक्राफ्ट यहां पे जो इंटरसेप्टर होते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट करने वाले, और बाकी दो और यूनिट्स अपने तैनात करके यहां पे रखे हुए हैं। तो यानी कि चाइना ने अपनी एयरफोर्स को यहां पे तैनात करके रखा हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखिए लद्दाख वाली जो सीमा है, वेस्टर्न, मिडिल ईस्टर्न, वेस्टर्न वाले में जो लद्दाख वाली सीमा है वहां पे बहुत दिक्कत है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मैंने कई बार इस पे लेक्चर लिया है, चाइना कहता है कि 4000 किलोमीटर की सीमा मानते ही नहीं है। अरुणाचल हमारा है, लद्दाख में बहुत सारे एरिया हमारे हैं। 2020 में गलवान इंसिडेंट हुआ जिसमें भारत के 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और चाइना के 40 जवान मारे गए। तब से लेकर अभी तक लद्दाख और अरुणाचल का जो बॉर्डर एरिया है चाइना भयानक मिलिट्री की तैनाती कर रहा है। चाइना ने यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट तगड़े तरीके से किए हैं, चाइना ने रोड बना दी है, और चाइना बहुत तेजी से बनाता है। क्यों? भारत में डिलेज हैं, ठीक है ना, भारत में डिले हो जाता है कई बार। चाइना में एक ही वन पार्टी सिस्टम है, वहां पे डिले आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस एक ही शी जिनपिंग ने बोल दिया तो बनाना है और चाइना बना देता है। हालांकि मेड इन चाइना वाला माल है लेकिन बना देता है वो, ठीक है ना, और बहुत जल्दी बनाता है। अब प्रॉब्लम लद्दाख में क्या है आपको मैं बता दूं कि अगर लद्दाख में वॉर होती है तो चाइना हार जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी एयरफोर्स एक वीक पॉइंट है। 1962 का वॉर हम क्यों हारे? हम जीत जाते, वहां भी मैंने किताब पढ़ी थी द वॉर दैट वाजंट, क्योंकि हमने एयरफोर्स को यूज नहीं किया। आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी एयरफोर्स उस समय चाइना से बहुत तगड़ी थी, चाइना के पास तो फ्यूल तक नहीं था। हम जब पूरा तवांग को आप क्रॉस करते थे ना तो चाइना की डिफेंस लाइन सामने दिखती थी पूरी,